Realme लेकर आ रहा है world's fastest charging phone. Yes, Realme GT 3 next week MWC यानी Mobile World Congress 2023 में लॉन्च किया जाएगा, अनवील किया जाएगा. और ये वाला जो फोन है Realme का, ये 0 to 100% चार्ज होता है सिर्फ 9 मिनट में. Realme GT 3 एक आउट एंड आउट फ्लैगशिप फोन नहीं होने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली एक अफोर्डेबल फ्लैगशिप फोन होगा. यानी जो हमने अभी रिसेंटली फोन्स देखे हैं, फॉर एग्जांपल OnePlus 11, iQOO 11, इनकी प्राइस कैटेगरी के अंदर ये फोन देखने को मिल सकता है. मेरी एक्सपेक्टेशन है शायद ये 50 से 55 हज़ार रुपए के आसपास में लॉन्च होगा. और ये जो लाइनअप है, ये पिछले कुछ सालों से Realme की फ्लैगशिप प्रीमियम लाइनअप हो चुकी है. Realme GT 2 Pro हमने लास्ट ईयर देखा था, एकदम पेपर बैग के साथ आया था, और इसी लाइनअप को आगे कंटिन्यू करेगा Realme GT 3. और इसकी जो USP है, हाईलाइट है, वो ऑफ कोर्स रहने वाली है ये इनसेनली फास्ट चार्जिंग स्पीड. MWC 23 यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में ये फोन अनवील होगा, और Realme ने ऑलरेडी इस फोन को टीज करना शुरू कर दिया. इनफैक्ट एक वीडियो भी उन्होंने निकाला है, जिस वीडियो में उन्होंने इस फोन की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज को दिखाया है. और इस वीडियो में पता चलता है कि भाई ये जो फोन है 0 to 50% चार्ज हो गया था सिर्फ 4 मिनट में, और 0 to 100% जाने में इसे लगे 9 मिनट 30 सेकेंड. वाओ, जस्ट वाओ. आज से कुछ समय पहले इसे इमेजिन कर पाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि कोई फोन इतना जल्दी चार्ज जाएगा. ऑफ कोर्स हमने फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस पहले भी देखे हैं, 150 वॉट 200 वॉट, बट 10 मिनट, लेस देन 10 मिनट्स, इट्स रियली इंप्रेसिव. ऑफ कोर्स यहां पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो वीडियो है, ये डेफिनेटली लैब कंडीशंस के अंदर शूट किया गया है. हमें ये भी नहीं पता कि फ़ोन में उस वक्त कितने ऐप्स चल रहे थे, क्या वो मोबाइल डेटा ऑन था, वाईफाई पे कनेक्टेड था या नहीं था. तो वहाँ पर हमेशा आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे, बट एज सून एज वी गेट आर हैंड्स ऑन दिस डिवाइस, जैसे ही हमें GT 3 मिलेगा, हम आपको डेफिनेटली यहाँ फाइबर के स्टूडियो में एक रियल लाइफ टेस्ट करके बताएंगे कि जो Realme का दावा है वो वाकई में सही या नहीं. As of now, on paper, ये definitely बहुत ज़्यादा promising device लग रहा है. Specs wise, इस phone में 4600 mAh की battery है, और यहाँ पर 240 watt का fast charging support दिया हुआ है. ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है Realme इसका एक 5000 mAh battery वाला variant भी introduce कर दे, इसमें शायद 150 watt का charging support हो, but जो top of the line variant रहेगा उसमें आपको 240 watt का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा. अब इंटरेस्टिंग देखना यह होगा कि क्या यह फोन इंडिया में लॉन्च होता है या नहीं, और अगर होता है तो इन दोनों में से कौन सा वेरिएंट जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा. वीडियो में फोन के डिजाइन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लग रहा है. आप देख सकते हो कि एक ग्रेश ब्लैकिश कलर का ये फोन हमें देखने को मिल रहा है. ऑफ कोर्स यहां पर दूसरे जो है कलर वेरिएंट्स वो भी फोन के रहेंगे, और बैक साइड पे क्लियरली पता चल रहा है कि ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप यहां पर इस फोन में रहने वाला है, जिसमें जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का होगा, ये सोनी का एक सेंसर रहने वाला है, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर रहेगा जो होल पंच कटआउट में आपको दिया जाएगा. इसके अलावा यहाँ एक 6.74 इंच का AMOLED पैनल Realme ने यूज किया है. मोस्ट प्रॉब्ली एक 10 बिट पैनल है, हमने रिसेंटली iQOO के साथ भी ये देखा था, और बहुत सारे फोन में इनफैक्ट हमने देखा है कि आजकल 10 बिट पैनल यूज होने लग गया है, तो आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट, बेटर कलर्स मिलते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट 144Hz ऑफ रिफ्रेश रेट. तो क्लियरली जो लोग गेमिंग एंथुजियास्ट हैं उनके लिए काफी अच्छा डिवाइस हो सकता है. गिवन दैट यू ऑल्सो गेट फास्ट चार्जिंग, तो अगर आप बहुत गेम खेलते हो, फोन जल्दी खत्म हो जाती है बैटरी, तो आप उसे फटाफट तुरंत चार्ज कर सकते हो. इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, यू आर गेटिंग Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिप. बहुत सारे फोन्स इस साल इस वाले चिप के साथ भी लॉन्च हो रहे हैं. हमने रिसेंटली देखा था OnePlus ने OnePlus 11R लॉन्च किया है, एंड Realme GT 3 के अंदर भी यही वाला चिपसेट आपको मिलेगा. ऑन द सॉफ्टवेयर फ्रंट, यू कैन एक्सपेक्ट इट टू रन Realme UI एंड विच विल बी बेस्ड ऑन Android 13. तो ये है Realme GT, जिसके बहुत सारे लीक्स, बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं. इनफैक्ट बहुत जल्दी जो है ये फोन ऑफिशियल भी हो जाएगा, एंड यू विल डेफिनेटली गेट टू नो ऑल द स्पेसिफिकेशंस. जैसे ही फाइबर के हाथ में ये फोन आएगा, हम आपको उसका पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर देंगे. बाकी आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को कैसा लग रहा है फोन, कितना प्रॉमिसिंग है, एंड वुड यू यू नो पे फॉर अ फोन जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट चार्जिंग, या 240 वॉट एक एक्साइटिंग इनफ फीचर है आपके लिए या नहीं.